अनुशासनहीनता तो मैं इसको मान नहीं सकती। अपने मन की पीड़ा को प्रत्येक कार्यकर्ता व्यक्त कर सकता है। तो निकाल दे ना मुझे पार्टी से बाहर, निकाल दे। प्रदेश चाहे तो डिसीजन ले सकता है, बिल्कुल पार्टी से निकाल दे। हम पार्टी को जिंदा रख रहे हैं। पूरे 7 साल से रामगंज मंडी के अंदर हम लोगों ने संगठन तो कांग्रेस का प्रचार करता था, इतने सालों तक दोनों चुनाव लड़े, बिना संगठन के चुनाव लड़े हम लोगों ने। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, सभी माननीय विधायक मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक ये समारोह होगा जिसमें सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएंगे। ये सब हमारे संगठन का काम है, वो मिल बैठ के सब जो भी छोटी मोटी बात है उसको निराकरण करेंगे। किसी भी कार्यकर्ता में, किसी भी विधायक में, किसी भी सांसद में कोई असंतोष नहीं है। ये केवल कांग्रेसों का फैलाया भ्रम चाह रहे हैं, ये कोई असंतोष नहीं है पर्टिकुलर। चलिए, तस्वीर हमारे सामने है, पार्टी का इनकार भी हमारे सामने है। कोटा से मुकेश जी जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। लगता है कोटा बीजेपी में कुछ स्थिति बिगड़ रही है। हाँ बिल्कुल, कल जैसे देखा आपने वहाँ पे जी, विधायकों के आपस में एक दूसरे पर ताना तंच कस रहे थे जी, और प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे उपस्थित थे उनके सामने। तो मेरा यही कहना है कि भाई जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, हम सभी कार्यकर्ता को एकजुट होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू हमारे सामने है। ऐसे हालात में राजेंद्र मोहन जी, फिलहाल क्या लगता है कि एक बड़े द्वंद की ओर बीजेपी बढ़ रही है? ये स्थिति पहले जयपुर में दो विधायकों के जरिए इसकी चर्चा होती थी, राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि एक विधायक क्रॉस वोटिंग का हिस्सा बन गया, उसके बाद शेखावटी से अलग अलग जगहों से वक्त वक्त पर यह आवाज़ आती रही है। गाइडलाइन पार्टी की जो लाइन है उससे परे जाकर कई बार नेता बयानबाजी कर जाते हैं, और अब पार्टी के मंच पर ये द्वंद्व। नहीं, ये तो थोड़ा जल्दबाजी होगी ये कहना तो कि पार्टी में द्वंद्व तेज हो गया, लेकिन हाँ ये संकेत अच्छे नहीं है। और पार्टी में जिस तरह से एक के बाद एक चीज़ें उभर रही हैं, अगर समय रहते पार्टी ने इसको नहीं संभाला तो पार्टी को निश्चित तौर पर ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से कोटा और उससे पहले जयपुर, उससे पहले दूसरे जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहाँ के विधायकों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है, वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है पार्टी की सेहत के लिए। लेकिन पार्टी अभी शायद इस मूल्यांकन को नहीं कर पा रही है। क्या ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? जिस कोटा ने अगर बात की जाए तो कोटा से मंत्रियों को लगातार शिकस्त देकर यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है उसको कायम रखा गया है। सवाल इस बात का भी है संगठन में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। आड़ूती कोटे से दो मंत्री हैं, प्रभुलाल सैनी और बाबूलाल वर्मा, लेकिन दोनों की जो स्थिति है कोटा के लिए काफ़ी नहीं है। कोटा के विधायक संतुष्ट नहीं है। ओम बिड़ला का कद अपनी जगह है, भवानी सिंह राजावत अपनी जगह, हम ये देखते हैं। ऐसे सूरत हाल में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कोटा में जो द्वंद्व का मूल कारण है वो भी है, सत्ता में भागीदारी की जरूरत से ज़्यादा उनकी मतलब परिणामी कहीं या फिर राजे कहीं पर इस स्थिति को संतुष्ट करने में नाकामयाब। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो जो स्वर उभर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वहाँ लोग, वहाँ के विधायक खासतौर पर ये चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, मंत्रिमंडल में उनको अहम ओहदे मिले, उनको पदोन्नति मिले। ये बात सच है। और ये बात उठाने के लिए और कोई तरीका, चूंकि पार्टी में ये जो साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि पार्टी में बहुत प्रभावी लोकतंत्र नहीं है, और इसलिए सार्वजनिक मंचों से इस तरह के प्रदर्शन होते हैं जी। इसरार मोहम्मद साहब कोटा से हैं, और साथ ही अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसरार साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए सर क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है कि भाजपा कोटा के अंदर बहुत समय से एक जोर आजमाइश चल रही है जी। एक विधायक शिलापट्ट का उद्घाटन करता है, दूसरे विधायक के समर्थक जाके दूसरे दिन तोड़ते हैं। ये एक इनके प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है इनके आपस में, और इससे कोटा के शहर की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आम लोगों के इनके आपसी लड़ाई में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, और यही कारण है कि 2 जुलाई को जो मुख्यमंत्री की यात्रा, प्रस्तावित यात्रा है जी, तो बीजेपी को जब डर सताने लगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की आपसी लड़ाई के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम असफल हो जाए, बिगड़ जाए, इसीलिए खुद प्रदेश अध्यक्ष जी को आना पड़ा मनाने के लिए। और उनके खुद के सामने जब इन सांसद और विधायकों की फूट देखी है उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी स्थिति है इस समय भाजपा के जनप्रतिनिधियों में आपस में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अशोक पंडित साहब नमस्कार। हाँ जी पारिक साहब नमस्कार। बताएं पारिक साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है ये आज की तारीख में ऐतिहासिक है। इनके नेता इनके हर फंक्शन के लिए कहते हैं कि हमारा ये फंक्शन ऐतिहासिक होगा, और ये जो विघटन और इनके आपस का विरोध है आज की तारीख में ये भी ऐतिहासिक है। मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। अजमेर के 2 प्रतिनिधि जो मंत्री हैं उनका आपस में जितना मनमुटाव है,
एक एक बच्चे को पता है यहाँ का। अनीता बदेल और वासुदेव देवनानी का जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, वासुदेव देवनानी जी और वो जो अनीता बदेल जी है, दोनों का मैं नाम लेके कह रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसा आपस में खिताब है, जोधपुर में भी यही हालत है। मैं दो संभागों के लिए बिल्कुल पक्का हूँ। और पार्टी के अंदर क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, कोई विधायक कोई वर्कर कोई बात बोल नहीं सकता, तो वहां पे ये होनी चीजें आम बात है और ये संभव हुआ है। इसलिए इनकी ये जो विघटन है ये भी ऐतिहासिक ही होगा, मैं और आप ये सब देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। सुशील शर्मा जी, क्या समझा जाए, फिलहाल जो परिणामी है डैमेज कंट्रोल में कामयाब है या फिर ये उनका असर भी खत्म होता नजर आता है? परिणामी जी का तो वैसे कोई असर है ही नहीं, परिणामी जी तो डमी अध्यक्ष है बीजेपी के। बीजेपी के जो मांडन साहब सुन रहे हैं मेरे ख्याल से जवाब देंगे इस पर, और वो जो दमदार लोग हैं उनको तो साइडलाइन करा हुआ है ना, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है और नहीं उनको जो है संगठन में कोई जगह दी जा रही है जिससे वसुंधरा जी को चुनौती खड़ी कर सके। प्रधानमंत्री जी की भी यही स्थिति है और इनकी भी यही स्थिति है। और राजस्थान के अंदर जो 2.5 साल बीतने के बाद में लोगों को लग रहा है कि रात जा रहा है, जितना काम कराया जा सके करा लें, कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं फाइलें लेके काम लेकर के काम होता नहीं है, MLA भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं मंत्रियों से के सुन नहीं रहे अफसर। हालत ये है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो वादे चुनाव के इन्होंने किए एक भी वादे पूरा करने में सरकार सफल नहीं रही। 30,000 भर्तियाँ हुई हैं और इन्होंने कहते हैं 9 लाख लोगों को हमने नौकरियाँ दे दी। तो इस तरह की बातें जो मुख्यमंत्री करती हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष करते हैं, तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है कि आपने 15 लाख लोगों को सरकारी नौकरियाँ देने का आपने वादा किया और स्किल इंडिया के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। किस तरह से लोग हैरान और परेशान हैं, नौजवान हैं, महंगाई का कोई नियंत्रण आपने नहीं किया है, आपका पानी सप्लाई में आप देखो कितने जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए हैं, कितने लोग बीमार हुए हैं गंदे पानी की वजह से। और आप देखिए कि आप किसानों को मुआवजा 60 लोग किसान आत्महत्या किए, अरे ये स्थिति राजस्थान सरकार की है। मांडन साहब, सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, संगठन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, खासतौर पर कार्यकर्ताओं पे चल रहे हैं और इस बीच में स्वार्थ की राजनीति हावी हो रही है। कॉलर्स को आपने सुना है, सब कह रहे हैं नहीं, मुझे मैंने आपके कॉलर्स को भी सुना, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने अपना ये जानकारी कहाँ से अपडेट की है। आपके चैनल के माध्यम से की है तो मुझे भी सुन रहे होंगे, मैंने हर आपकी बात का बहुत पुख्ता अच्छे तरीके से जवाब दिया। दूसरी बात जो जो सुशील जी ने कहा कि अशोक जी परनामी के नेतृत्व के अंदर पार्टी ने हर वो कार्य जो संगठन के नाते उन्हें करना चाहिए बखूबी निभाया अपना। उन्होंने जितने कार्य हैं उसके लिए उनकी कई बार प्रशंसा की गई है केंद्र के स्तर के ऊपर, तो पहली बात तो मैं। और दूसरी बात, हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले इनके यहाँ स्थिति है कि एक विधायक को अपने नेता के लिए समर्थन में हाथ खड़े कराने पड़ते हैं। इनका एक महासचिव प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संन्यास लेने की सलाह दे देता है। तो हमें ये ना समझाएं कि हमारी पार्टी कैसे काम कर रही है। हमारी पार्टी बिल्कुल संगठन और सत्ता का तालमेल, कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसी के कारण से आज हमने वार्ड इकाई को बूथ इकाई पे ले जा एक्टिवेटिंग है एड्रेस नहीं कर पा और आज जयपुर के अंदर ही एक विधानसभा ऐसी है जिसके अंदर 200 टीमें मंत्रियों को बैठक जोड़ के जाना पड़ रहा है और वो सभी बीजेपी को संस्कारित पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोटा जाना पड़ रहा है संस्कार मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कराने के लिए। अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, हमारे पार्टी के लोगों को अगर हमारे दिखाना चाह रहे हैं और जैसे हम जाएंगे ना सुशील जी, आपके मंत्री आप अपनी पार्टी के लोगों को संभालिए, उनकी स्थिति है कि उनकी कहीं पे भी एक मंच पे नहीं बैठ पा रहे। हमारे लोग एक मंच के ऊपर बैठ के अपनी बात तो कहते हैं, आपके लोगों को तो चार लोगों को एक मंच के ऊपर बिठाना, इतनी ये जो असंतोष की स्थिति है आपको उसको संभालने के बजाय मैं इनको एक देना चाहूंगा। वैसे भी कांग्रेस चला रहे हैं, पूरे पार्टी चला रहे हैं, भारत के पटल से लगभग गायब होने को आए, चल पा रहा है छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो आज तक छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के अंदर बचे हैं। आप बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री को ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार में रहेंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है ये तो आपकी स्थिति है। कहीं अगले 2 साल या 3 साल के अंदर इस पूरे भारत से मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो आज के सवाल पर जवाब होगा हमारे सामने और साथ ही खास मेहमानों की राय। चर्चा जारी है बिग फाइट लाइव। बीजेपी के हमारे जो विधायक हैं वो उनसे खुश नहीं है क्योंकि जो वो काम कराना चाहते हैं अपने फील्ड में और वो उतना काम नहीं करा पाते क्योंकि ऊपर से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है।